चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यहां पर आज बातचीत किया जाएगा आपसे सीटेट एनवायरनमेंट के प्रैक्टिस सेट पर, और यहां पर हम बात करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। यहां पे देखेंगे प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ई कह रहा है कि विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए बोलना। दूसरा कह रहा है कि श्यामपट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। और तीसरा कह रहा है जीवों के प्लेट कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। और चौथा कह रहा है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अगर हम बात करते हैं अगर ऑप्शन नंबर ए पे, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यार्थियों को इंटरनेट शब्द का प्रयोग किया तो ये आपका प्रभावी नहीं हो सकता साहब। दूसरा कह रहा है कि श्यामपट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरण, तो साहब श्यामपट के माध्यम से खाद्य श्रृंखलाओं को बहुत बेहतर तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। तीसरा कहते हैं कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों को समूह के विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि ये तीसरा ऑप्शन आपका पूरा का पूरा व्यवहारिक ऑप्शन है, क्योंकि प्ले कार्ड्स बनाना मतलब सामूहिक परियोजना की बात कर रहा है यहाँ, जो कि समूह में बालक कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे वो चिंतन की प्रक्रिया के माध्यम से जो पास पड़ोस परिवेश में चला उसको पूर्ण करने की बात कर रहे हैं। और ये नेक्स्ट कह रहा है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खास श्रृंखलाओं को सोचते हुए, तो यहाँ पे यह भी नहीं होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। और यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। यहाँ ध्यान देंगे कि दत्त कार्य का मतलब होता है गृह कार्य होता है। तो कह रहा है कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है, तो ऐसी दशा में कह रहा है कि सबसे सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। एक कह रहा है कि इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। दूसरा कह रहा है उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। तीसरा कह रहा है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। चौथा कह रहा है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो सबसे व्यवहारिक ऑप्शन यही है कि देखिए यहाँ पे इसके लिए हमेशा एक ट्रिक जानते रहिएगा कि सबसे नंबर एक पर आती है आपकी क्या समस्या आती है। समस्या के बाद जो दूसरा चरण होता है उसको हम कहते हैं निदान। कहते हैं निदान का सीधा सा मतलब होता है कि कारण जानना। और इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू होता है तीसरा होता है समाधान। और ये इसी निश्चित चरण या ये निश्चित प्रक्रिया में ही ये क्रिया पूरी होती है। तो अगर हम इस क्रम पर ध्यान दें तो साहब ये दत्त कार्य जमा नहीं करता है यह क्या है, एक प्रकार की समस्या है। और शिक्षक के द्वारा सबसे पहले निदान मतलब समस्या का कारण जाना जाएगा और उसके बाद समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। तो कह रहा सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय, तो अनियमितता के कारण पता करना निदान आ गया, और परामर्श देना यहाँ पे उसकी समस्या के समाधान की ओर लेके जाना है। तो इस प्रकार यहाँ पे हुआ आपका प्रश्न नंबर दो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थ्री। हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, ध्यान देंगे कि अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किस प्रकार बालकों के शिक्षण में सहायता करता है। एक कह रहा है कि बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। दूसरा कह रहा है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। तीसरा कह रहा है कि पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। और चौथा कह रहा है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो साहब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कविता और कहानी जो होती है वह बालक का परिवेश, और देखिये
यहाँ पे आपका सही आंसर है 4 नंबर। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा स्थानीय एवं विश्व स्तर। तो स्थानीय एवं विश्व स्तर का यहाँ पे मतलब क्या है? स्थानीय का सीधा सा मतलब है बालक का परिवेश, और वैश्विक का मतलब है जो बालक के परिवेश में विद्यमान या मौजूद नहीं है, उसके बाहर का परिवेश। तो ये जो यहाँ पे कविता कहानी होती है बालक के परिवेश का, उसके स्थानीय और वैश्विक दोनों परिवेश का क्या होता है, पर उसकी जिज्ञासा को उत्पन्न करता है और भी अधिक जानने, जो कल्पना और योग्यता का वहां पे क्या करता है, विकास करता है। आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, और प्रश्न नंबर 4 के क्रम पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देश किस प्रकार किए जा सकते हैं। देखिए, एक है रहा कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। दूसरा कह रहा कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा कह रहा बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए। और चौथा कह रहा उच्च कक्षा में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। प्रश्न था कि अध्ययन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इसका सीधा सा उत्तर होता है यहाँ पे कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन दर्ज करने व उसका विश्लेषण करने के लिए, ये इसका सबसे प्रभावी आंसर यहाँ पर होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं, और प्रश्न नंबर 5 है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि दत्त कार्य का मतलब होता है क्या, गृह कार्य होता है, या आप जिसको होमवर्क के नाम से जानते हैं वो होता है। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है दत्त कार्य अभिभावकों भाइयों बहनों द्वारा क्षमता के अनुसार किया जाता है। सी कह रहा प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। चौथा कहता है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह तो नहीं होगा कि आकलन का एकमात्र तरीका दत्त कार्य होता है। साहब, हमने पोर्टफोलियो बताया था, साक्षात्कार बताया था, निरीक्षण विधि बताया, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। कह रहा है प्रतिदिन विविधता का अभ्यास करने के लिए कक्षा और फिर गृह कार्य दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। साहब, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या इससे भी कोई प्रभावी आंसर है। कह रहा अभिभावकों भाइयों के बहनों के द्वारा सहायता, तो ये तो दत्त कार्य गृह कार्य देने का उद्देश्य नहीं होता है। कह रहा बच्चों को सूचना खोजने, विचार का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर देता है। तो साहब, ये जो ये ऑप्शन है यह भी सही है और यह भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1-3 से ज्यादा प्रभावी है, इसलिए सही आंसर 1 को माना जाएगा। हम आएंगे नेक्स्ट पे, प्रश्न नंबर 6 पे कि खेल विधि से शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षा पर क्या प्रभाव होता है। तो एक कह रहा है कि इससे शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा कह रहा है बहुत महंगी पड़ती है इस प्रकार की शिक्षा। तीसरा कह रहा है कि देने वाले शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती। चौथा कह रहा है पर्यावरण का एक भाग बन जाता है। तो देखिए, इस पर कोई व्यय नहीं होता, ये भी बात गलत है। महंगी पड़ती है, ये भी गलत है। तरह देने वाले शिक्षक की भूमिका समाप्त होती, ये भी गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि खेल विधि पर्यावरण के माध्यम से बालकों को सिखाने की एक विधि ही मानी जाती है। हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। यहाँ पर ध्यान देंगे, एक कह रहा है कि शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए। एक कह रहा है कि शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए। बी कह रहा है शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए। और तीसरा कह रहा है कि समरूपी समूह शिक्षण की प्रजातंत्रात्मक मूलाधार है। और कह रहा है कि छात्र अपने मित्र समूह में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो देखिएगा, कह रहा है व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए, ये भी उपयुक्त नहीं है। और दूसरा कह रहा प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए, यह भी उपयुक्त नहीं है। तीसरा कह रहा समरूपी समूह शिक्षण केवल प्रजातंत्र का आधार, ये भी गलत है। कह रहा कि छात्र अपने मित्र समूह में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, मतलब सबसे बेहतर वे अपने मित्र
समूह जहां वे स्वाभाविक रूप से रहते हैं। याद करिए मित्र वाले चैप्टर में हमने बताया था आपको कि बालक सबसे प्रभावी मतलब अपनी सबसे सहज अभिव्यक्ति वो अपने मित्र के सामने करता है। इसलिए मित्र जो होता है वो बालक के मानसिक विकास में सहायक होता है, यही ये बात लाइन कहती है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का क्या उद्देश्य होता है। ये कह रहा है कि छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करना, दूसरा कह रहा है कि छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करना, तीसरा कह रहा है छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास करना, और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे साफ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 पे, और प्रश्न नंबर 9 के क्रम पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक कह रहा है छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम अधिक सुसाध्य हो, नेक्स्ट कह रहा है ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठचर्या का बोझ कम हो, तीसरा कह रहा है बहुत कम शिक्षण करना, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। साहब ध्यान देंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के शॉर्ट में समझेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण छोटे पैमाने पर आधारित करके किया गया वह शिक्षण है जिसमें सामान्य या बड़ी कक्षा की जटिलता को कम करके विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सीमित करके शिक्षक को शिक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम और भी अधिक क्या सुसाध्य या प्रभावी हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 पे, और यहाँ पर ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 10 है कि पारिस्थितिकी पर छात्रों को दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार का निर्देश दे सकते हैं। साथ देखेंगे कह रहा पारिस्थितिकी पर छात्रों को दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार का निर्देश है, उनसे कहेंगे कि दिए गए दत्त कार्य के संबंध में सूचना खोजें, दूसरा कह रहा अभिभावक से कहेंगे कि छात्रों को सूचना खोजने में मदद करें, तीसरा कह रहा प्रतिदिन इसके संबंध में गृह कार्य था कक्षा में अभ्यास कर देंगे जिससे उस संबंध में पर्याप्त तो सूचनाएं एकत्रित करें व बोध विकसित करें। तो साहब कह रहे हैं कि दिए गए दत्त कार्य के संबंध में सूचना खोजें, यह केवल एकल बात करता है इसलिए यह ऑप्शन आपका परफेक्ट नहीं है। दूसरा कह रहा अभिभावक से कहेंगे, तो साहब दत्त कार्य तो बालक के द्वारा गृह कार्य किया जाएगा कि अभिभावक यहाँ कहाँ इंक्लूड होगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा प्रतिदिन इस संबंध में गृह कार्य था कक्षा में अभ्यास कार्य दे दिया जाए जिससे वो अपने पास पड़ोस परिवेश में जाकर के क्रियाशील हो और उससे संबंधित सूचना को वो एकत्रित करें तथा अपनी एक सामान्य समझ को विकसित करें। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार हमने यहां पर आपसे बातचीत किया पर्यावरण में सीटेट पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट पर। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारे क्रैश कोर्स में एडमिशन के लिए आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप क्रैश कोर्स सीटेट क्रैश कोर्स लिख करके व्हाट्सएप करें और आप यहाँ से एडमिशन की एक आसान प्रक्रिया, या आप चाहें तो chandrainstitute.com पर आप डायरेक्ट जा करके वहाँ पर भी आप अपने ऑनलाइन एडमिशन को स्वयं के द्वारा सुनिश्चित कर लें। यहाँ पर ध्यान दें मोबाइल नंबर है हमारा 8299 31 00 97। आपको साहब देखिए क्या करना है, आप इस नंबर पे हमें क्रैश कोर्स लिख करके आप व्हाट्सएप करके आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आसान प्रक्रिया कि आप सीधे जाएं chandrainstitute.com पर और वहां से एडमिशन पे क्लिक करें और आसान प्रक्रियाओं को फॉलो, वहां से बैंक का अकाउंट नंबर और डिटेल ले करके आप दिया गया 1051 मात्र 1051 रुपए का आप किसी भी माध्यम से आप वहां पर पेमेंट करके वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप वो उसका स्क्रीनशॉट या उसकी पुर्जी का फोटो खींच करके आप भेजें और तुरंत यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा और आप कक्षा कार्यक्रम का तुरंत से ही अनुभव करेंगे। थैंक यू।